हेलो दोस्तों, और आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, घर में सेफ है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप सब खुश हैं। सो आप लोगों को और खुश करने के लिए मैं आज ले आई हूँ एक मज़ेदार वीडियो। आज से शुरू होने वाला है ऐप डिज़ाइनिंग सीरीज, वो भी कोई मामूली ऐप नहीं, एजुकेशनल ऐप डिज़ाइनिंग सीरीज। और आज हम लोग हमारे ऐप को ले जाने वाले हैं एक नेक्स्ट लेवल में, जहाँ पे ये कहीं भी AI डाउनलोड करके आप पब्लिश कर सकते हैं। टू द ऑलमोस्ट प्ले स्टोर में भी आप इसे अपलोड कर सकते हैं, और उसके लिए आपका प्ले स्टोर का कुछ कंसर्न होता है, वो होना ज़रूरी है। आई डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट दैट। सो फ्रेंड्स, आप लोगों में से किसी एक ने मुझे कमेंट किया था कि मैं बनाऊँ ऐसा एक वीडियो, और समथिंग किसी एक चैनल ने ही जिस समथिंग स्लो फास्ट समथिंग लाइक दैट। एक्चुअली मेरे पास अभी फ़ोन नहीं है, नहीं तो मैं देख के बता देती। सो उनके रिक्वेस्ट पे आज से मैं कॉबुलर क्रिएटर में ऐप्स क्रिएट करने जा रही हूँ, एंड यू आर वेरी मच थैंक यू कि आपने मुझे ये मौका दिया। तो चलिए चलते हैं गूगल के स्क्रीन पे। पर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सबसे पहली बात बता दूं कि आज हम MIT में क्रिएट नहीं करने वाले हैं, कॉबुलर में क्रिएट करने वाले हैं जैसा कि मैंने कहा। और एक बात है कि मैंने पिछले वीडियो में पेंट पॉट ऐप डिज़ाइन किया था और कहा था कि आज मैं इसका ब्लॉग्स दिखाऊंगी, पर वो नहीं हो पाएगा। तो जब भी मुझे एक ब्लॉग नहीं मिल रहा है, तो जब भी वो मिल जाएगा तब मैं वो बना दूंगी। सो जो भी मेरे साथ MIT में करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप लोगों का यहाँ पे अकाउंट हो ना हो, आप क्रिएट ऐप्स पे क्लिक करें और फिर एक स्क्रीन खुलेगा जैसे कि अभी खुल रहा है। यहाँ से आप किसी भी अपने एक मेल ID अकाउंट को चूज़ करें और गो ऑन करें। पर आज मैं यहाँ पर नहीं बनाने वाली हूँ, आज मैं कॉर्डुलर में बनाने वाली हूँ, और आज से हम लोग हमारे ऐप्स को नेक्स्ट लेवल में ले जाने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो कमेंट की मैं बात कर रही हूँ, ये मेरे पियानो ऐप पे आया था। सो मैंने कॉर्डुलर क्रिएटर को बुकमार्क कर रखा है। मैंने इससे पहले कई ऐप्स बनाए हैं कॉर्डुलर क्रिएटर में। मैंने एक वीडियो भी डाला था मेरे चैनल पर, जिसमें कैन कॉर्डुलर एंड थंकबल भी ओपन फ्रॉम फ़ोन का टैगलाइन दिया गया था। और जिनके पास लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप नहीं है, वो सेम प्रोसेस फॉलो करके फ़ोन से भी ये काम कर सकते हैं। सो अभी क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और प्रोजेक्ट का नाम देंगे। आप लोग अपने हिसाब से कोई भी नाम डाल सकते हैं, यू मे पुट एनी नेम हियर। मैं लर्न विथ फन डाल रही हूँ। सिर्फ को कैपिटल कर दूँगी, बिकॉज मेरे लोगों के हिसाब से कुछ लिखना पड़ेगा मुझे। अब नेक्स्ट करूँगी। अब कन्फिगर योर प्रोजेक्ट, ये सेटिंग्स हम बाद में कर लेंगे, सो फिनिश पे क्लिक करेंगे। सो सबसे पहला काम हम करेंगे, टाइटल को विजिबल फॉल्स कर देंगे, इससे ऐप का लुक अच्छा आने लगेगा। अब कंपोनेंट्स ड्रैग करेंगे। सो सबसे पहला कंपोनेंट जो हम ड्रैग करने वाले हैं वो है इमेज। सो एक मिनट, हाँ, सो मैं अभी इमेज ड्रैग करके ड्रॉप कर रही हूँ। आप लोग मेरे साथ साथ करते जाइए, क्योंकि ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए नया प्लेटफॉर्म है। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आए और अच्छा भी लगे। इसके बाद हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में लेआउट में जाके जनरल में जाके लूँगी, ओके, जैसा कि आप लोगों ने देखा। आपको अगर ठीक से नहीं देखा क्योंकि मैं तब बात कर रही थी, तो रिवाइंड करके देख लीजिएगा ज़रा। अब नेक्स्ट काम जो करना है, आपको इमेज पे क्लिक करना है। एक मिनट, शायद कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं सॉरी, स्क्रीन पे क्लिक करना है और फिर अलाइन जो हॉरिजॉन्टल है, एक मिनट थोड़ा ऊपर होगा, हाँ, अलाइन हॉरिजॉन्टल को सेंटर 3 कर दें और अलाइन वर्टिकल को टॉप से सेंटर 2 कर दें। और अब ये ठीक है। अब इमेज पे क्लिक करें और स्केल पिक्चर टू फिट वाला ऑप्शन एनाबल कर दें।
सो अब हमारा काम लगभग हो चुका है कंपोनेंट्स फीचर प्रॉपर्टी सेटिंग्स का. अब हम लोग एक एक्सटेंशन ऐड करेंगे. सो आप लोग अपना एक लोगो बना के रखें जो कि आपका ऐप जब खुले, ये हम स्प्लैश स्क्रीन बना रहे हैं, सो आपका ऐप जब खुले तब वो लोगो दिखेगा. मैंने luca.com से अपना लोगो बनाया है. मैं आप लोगों को उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी. कॉडलर क्रिएटर का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा और MIT का भी रहेगा. आप लोग जहाँ से बनाना चाहें बना सकते हैं. वैसे luca के अलावा और भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं. सो अभी मैं मेरा लोगो इम्पोर्ट कर रही हूँ. आप लोग गूगल में जाके सर्च करें फ्री लोगो मेकर, आपको कई सारे प्लेटफॉर्म्स तो मिल जाएंगे पर luca मुझे बेस्ट लगा क्योंकि इसमें फ्री में बहुत सारे टेम्पलेट्स दिए जाते हैं. सो अभी मैं मेरे इसमें घुस रही हूँ मेरे फोल्डर में, और ये वो फोल्डर है जो मैं यूज़ करती हूँ मेरे इस ऐप के सारे चीज़ों के लिए, मतलब सारे आइकन्स असेट्स के लिए. मैं इसे पहली बार नहीं बना रही हूँ. मैंने इससे पहले आप लोगों के पास वीडियो लाने से पहले इस टाइम स्पैन में मैंने इसे एक बार क्रिएट किया है और अब मैं इसे रिक्रिएट कर रही हूँ. सो मतलब इसीलिए इतना फ्लुएंटली हो पा रहा है. सब मैं logo.png को यहाँ पे ले लूँगी जैसा हम MIT में करते हैं, और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट पे क्लिक करेंगे और MIT में ये सारे ऑप्शंस रहते हैं. सो आप लोग थोड़ा ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा. और कॉडलर का तो मैं दिखा ही रही हूँ, पर इम्पोर्ट करने से पहले एक्सटेंशन को आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि मैं आप लोगों के पास बेस्ट वीडियोस लाने के लिए कुछ चैनल्स और वीडियोस फॉलो करती हूँ. ये एक्सटेंशन मैं उन्हीं में से एक चैनल से उठा रही हूँ जिसके डिस्क्रिप्शन में मुझे ये मिला था. वो चैनल बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और मेरे लिए बहुत ज़्यादा मददगार था. सो थैंक यू. और मतलब मैं भी अभी तक सब कुछ नहीं सीखी हूँ, सो मुझे भी कुछ कुछ गाइडेंस लगते हैं. सो मैं किसी का वीडियो या फिर मतलब आइडिया कॉपी नहीं कर रही हूँ, पर मैं उनकी टेक्निक्स ज़रा सीख रही हूँ. सो अभी मैंने डाउनलोड्स में सेव किया हुआ है. सो नो फाइल चोजन पे क्लिक करके डाउनलोड्स पे जाएंगे, और ये जो form.jerrine.circular.progress.aix है इसे ले लेंगे. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगी. इसके अलावा पूरे हमारे इस ऐप सीरीज़ में अभी तक मैंने जितना कंप्लीट किया है उसमें 4 एक्सटेंशंस मुझे लगे हैं. अभी तक मैंने होम स्क्रीन तक मेरे रिक्रिएशन के अलावा कंप्लीट कर लिया है. सो अभी जब ये लोड हो जाए तब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर ले स्क्रीन के कहीं भी. और अभी हम 2 और इनविजिबल कंपोनेंट्स ड्रैग करेंगे जो कि एक क्लॉक और एक बार देख ले दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को. तो इनकी बात कर रही थी मैं. सो क्लॉक और टाइनी डेटाबेस, 2 ऑप्शंस मिलेंगे आपको, टाइनी वेब डेटाबेस और टाइनी DB. आप टाइनी DB को ट्रैक कीजिएगा, टाइनी वेब DB को नहीं. अब हम ब्लॉक्स में चलते हैं. तो सबसे पहले हम स्क्रीन 1 में चलेंगे और यहाँ से स्वेन स्क्रीन 1 इनिशियलाइज वाला 4th ब्लॉक ले लेंगे, और फिर इनफाइनाइट प्रोग्रेस बार में जाके 1st ब्लॉक कॉल इनफाइनाइट प्रोग्रेस बार वाला ले लेंगे और शो ऑन अरेंजमेंट में हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लगा देंगे. और बस ये हो गया. अब हम क्लॉक में जाएंगे और क्लॉक में जाके हम ग्रीन कलर का सेट क्लॉक 1 टाइमर इनेबल 2 का ब्लॉक लगा लेंगे. और मैं मेरे बैकपैक से ट्रू ले रही हूँ, आप लोग लॉजिक से ले सकते हैं. मैं जो जैसे दिखा रही हूँ वैसे आप लॉजिक से इसे उठा सकते हैं. देख लीजिए यहाँ से आप इसे उठा सकते हैं. सो ये वाला कंप्लीट हो चुका. अब हम नेक्स्ट में चलते हैं जहाँ पे हमें क्लॉक 1 में जाके 1st ब्लॉक लेना है, व्हेन क्लॉक 1 टाइमर 2 वाला ब्लॉक. अब हमने लास्ट जो ब्लॉक लगाया था इनिशियलाइज में उसे डुप्लीकेट कर ले राइट क्लिक करके, और यहाँ पे 1st में बैठा दे और ट्रू को बस ब्राउन एरो पे क्लिक करके फॉल्स कर दे. और अब हम लोग चलते हैं कंट्रोल में और अब हम लोग यहाँ पे एक ब्लैंक टेक्स्ट बॉक्स लगा लेंगे. और यहाँ पे आप अपनी मर्जी से अपने होम स्क्रीन का जो नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं. ओके, सो
प्रोफेशनल देखिए इसलिए डैशबोर्ड डाल रही है। आप लोग चाहे तो होम स्क्रीन या फिर होम कुछ भी डाल सकते हैं। अब हम लोग इसी नाम को कॉपी करके ऐड स्क्रीन पे क्लिक करेंगे और एक नाम ऐड कर लें और एक स्क्रीन इस नाम से ऐड कर लेंगे। अब मैं चल रही हूँ मेरे डिज़ाइनर में और यहाँ से मैं स्क्रीन वन में। वेरी गुड। सो हमारा आज का स्प्लैश स्क्रीन तैयार हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉग इन और साइन अप स्क्रीन बनाएंगे। तब तक के लिए टाटा, सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। ये रहा स्क्रीनशॉट ब्लॉक्स स्प्लैश स्क्रीन के लिए और इस साइड आप लोगों को जो दिख रहा है वो है हमारे ऐप का प्रीव्यू जो कि मैंने फ़ोन में टेस्ट करके लगाया है। सो आप लोग यहाँ से इसे ले सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशंस पाएं।